हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारी वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी टेट के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। और इसमें आज हम देखेंगे इंग्लिश पैडागोजी के जो लैंग्वेज वन इंग्लिश में पूछा गया था 31 जनवरी 2021 को सी टेट के क्वेश्चन पेपर में। तो शुरू करते हैं 31 जनवरी 2021 के सी टेट में पूछे गए पेपर को, इंग्लिश पैडागोजी लैंग्वेज वन। और ये रहा क्वेश्चन पेपर आपके सामने। तो चलिए पैडागोजी स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 106 से। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपका पहला क्वेश्चन था लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ईच अदर इन द क्लास, देन सी आस्क देम टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड टू ईच अदर, दिस एक्टिविटी विल हेल्प देम टू इंक्रीज। अब यहाँ पे क्या है, एक इंग्लिश या फिर एक लैंग्वेज की जो शिक्षिका है वो बच्चों से कहती है कि आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करो, एक दूसरे के बारे में बताओ। फिर कहती है कि अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद अपने दोस्त के बारे में दूसरे दोस्त से बताओ। पहला क्या कहती है, फर्स्टली आस्क स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एंड देन सी आस्क टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड। पहले अपने बारे में बताओ, फिर उस दोस्त के बारे में दूसरे से बताओ, मतलब एक डिस्कशन करो, आपस में एक प्रैक्टिस करो। तो दिस एक्टिविटी विल हेल्प देम टू इंक्रीज, कैसे उन्हें हेल्प करेगा। आपका ऑप्शन फर्स्ट BICS, ऑप्शन सेकेंड CALP, ऑप्शन थर्ड PPPPPPPP, ऑप्शन फोर ELT। तो इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा, इसका सही आंसर। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये चारों का मतलब क्या होता है। तो इन चारों का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम में नहीं दिया, लेकिन हाँ मैं आपके लिए लेके आया हूँ इनका चारों का मतलब। तो पहला होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। वास्तव में ये बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, क्या ये इस प्रैक्टिस करने से उनके कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आएगी, उनका एकेडमिक लैंग्वेज होगी। पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, इसकी तो कोई बात नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, तो ये क्यों कराया जा रहा है, ताकि बच्चों को एग्जैक्टली आपका सही आंसर है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए, यानी कि जो बेसिक आप उनका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव करने के लिए ये एक्टिविटी कराई जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम, बिकॉज साहित्य को हमारे लैंग्वेज क्लासरूम में क्यों रखना चाहिए। इट हेल्प्स लर्नर टू बडिंग राइटर्स। बडिंग राइटर्स का मतलब ना, जैसे कि उभारना, एक अच्छा राइटर्स बनाने के लिए हमें साहित्य रखना चाहिए। इट गिव्स एक्सपोजर टू द डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो लिटरेचर में ग्रामर्स की बात नहीं सीखी जाती, मतलब ग्रामर तो एक अलग पार्ट होता है, बात यहाँ पे लिटरेचर की जा रही है। तो लिटरेचर में ग्रामर को ज़्यादा एक्सपोज करना, ये वो आंसर सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, इट डेवलप्स मॉरल वैल्यूज एमोंग द लर्नर, ये आंसर सही लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट देख लेते हैं। इट एक्सपोज देम टू डिफरेंट जर्न्स कल्चर एंड इशूज। अब इससे क्या, साहित्य से हमें क्या होता है, एक नया जर्न्स के बारे में, साहित्य के बारे में, कल्चर के बारे में, सोशल इश्यूज के बारे में पता चलता है। तो क्या इसलिए हमें लिटरेचर पढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों द फोर्थ वन, टू एक्सपोज देम टू डिफरेंट जर्न्स कल्चर एंड सोशल इशूज। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और काफ़ी खुद से डिस्कस करके ही इनके आंसर्स को निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर मेक्स हर लर्नर रिस्पॉन्ड टू हर एक्शन एंड स्पीच ओनली बाय बॉडी मूवमेंट। अब बात ये कह रही है, टीचर कह रही है कि मैं जो कुछ भी बोलूंगी या बोलूंगा आपको उसको बॉडी मूवमेंट से ही रिप्लाई करना है। आपको जो रिस्पॉन्ड करना है वो बॉडी मूवमेंट से करना है, बोल के नहीं करना है। हो सकता है हाथ दिखा के करना है, इशारे से करना है, तो आपको बॉडी मूवमेंट से ही आपको रिस्पॉन्ड करना है, ये क्वेश्चन है। तो इसको क्या कहा जा सकता है, इसको कैसे जाना था, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव अप्रोच या प्ले वे मैथड। तो यहाँ पे कम्युनिकेटिव वे अप्रोच तो है ही नहीं, क्योंकि बात टोटल क्या है, बॉडी रिस्पॉन्ड की बात की जा रही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट क्या बात की जा रही है, ओनली बाई बॉडी मूवमेंट। तो ओनली बाई बॉडी मूवमेंट मतलब टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109। इन अ लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट आर मेमोराइजिंग द डायलॉग थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस एंड द टीचर इज करेक्टिंग देयर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक इमिडिएटली। अब यहाँ एक क्लासरूम में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज की क्लास में, और उनके प्रोनाउंसिएशन में, उनके उच्चारण में जहाँ भी गलती होती है, टीचर तुरंत उनको इमिडिएटली उस मिस्टेक्स को क्या करती है, करेक्ट कर देती हैं।
They are practicing the dialogue in the course. In the course का मतलब होता है ना वो rhythm में, जैसे कि A for apple, B for ball, मतलब ऐसे गाने की तरफ rhythm में वो practice कर रहे हैं और immediately क्या करती हैं teacher उनको correct कर देती हैं। अब आइए, the teacher is following the direct method, natural method, audio lingual method या फिर CLT method जिसको हम कहते हैं cognitive language, सॉरी इसको कहते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड। अब यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि बच्चे राइम में पढ़ रहे हैं और टीचर उनको तुरंत करेक्ट कर रही हैं, तो कौन सा मेथड होगा, आप इसका आंसर करें। देखिए डायरेक्ट मेथड वो होता है जब हम इंग्लिश को किसी सेम इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। नेचुरल मेथड होता है जो नेचुरल, हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड और नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड को भी डायरेक्ट मेथड ही कहा जाता है और डायरेक्ट मेथड को भी नेचुरल मेथड कहा जाता है, ये दोनों सेम है। CLT का मतलब हो गया कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, तो यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए तो कोई एक ऑप्शन तो हो नहीं सकता। यहाँ पे वास्तव में क्या आ रहा है कि बच्चे राइम में प्रोनंसिएशन करके पढ़ रहे हैं और ऑडियो के माध्यम से बोल बोल के पढ़ रहे हैं और टीचर भी जो है उनको तुरंत करेक्ट कर रही है, जैसे उन ऐप जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो जहाँ पे उनकी गलती है तुरंत टीचर करेक्ट करती है लैंग्वेज के माध्यम से। इसका सही आंसर होगा ऑडियो लिंगुअल मैथड, ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ओरल एरर ऑफ द स्टूडेंट कैन बी बेस्ट करेक्टेड इफ़ द टीचर, कोई बच्चा ओरली एरर है उसका, उसके अंदर करेक्शन करना है तो वो बेस्ट मेथड क्या होगा। कोई बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे वो पोएम पढ़ रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो स्टार की जगह पे उसने मून कह दिया, ओके ये उसका उसने गलती करी, तो अब उसको कैसे बेस्ट वे में करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट एन एरर डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट, जो जैसे ही बच्चे ने कहा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल मून, आप कहेंगे नहीं लिटिल मून नहीं लिटिल स्टार, क्या ये डायरेक्ट ये मेथड बेस्ट है, या फिर पॉइंट आउट द एरर इन जनरल एंड लेट द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ फर्स्ट। फर्स्ट पहले ऐसा करिए कि आपको उसको हिंट दे दीजिए, उसका गलती पॉइंट आउट कह दीजिए, जैसे उसने कहा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल मून, आपने कहा एक्सक्यूज मी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, आपने बताया नहीं बस आपने पॉइंट आउट किया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, तो बच्चा खुद से एक बार ट्राई करेगा ओ ओके ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ये वाला मेथड बेस्ट है सेकेंड वाला, या फिर इग्नोर कर दें चलो भैया कोई बात नहीं गलती कर दी है चलो साइड हटो, या फिर ये वाला है कि दूसरे बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आप बताओ ये क्या होगा। तो बेस्ट मेथड क्या है कि बेस्ट मेथड यही है कि हम एक बार उसे खुद से ट्राई करने देंगे, लेट देम ट्राई फर्स्ट, तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट होगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए बहुत से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एज अ पेयर एक्टिविटी द टीचर गिव्स हर लर्नर ऑलमोस्ट द सेम पिक्चर, एक पेयर एक्टिविटी में टीचर ने क्या किया सारे बच्चों को सेम पिक्चर्स दे दिया और उनसे कहा कि इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करो, इन दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है फाइंड आउट करो, ठीक है, और जाके आस्क ईच अदर क्वेश्चन टू डिस्कवर हाउ टू पिक्चर्स आर डिफरेंट, और बच्चों से कहा कि इन पिक्चर्स में डिफरेंस फाइंड आउट करो और जाके एक दूसरे से पूछो कि कैसे इसमें डिफरेंट है कैसे इसमें भिन्न है, तो आपस में जाके डिस्कस करो आपस में जाके बात करो डिफरेंस इसमें फाइंड आउट करो, ठीक है ईच अदर, ये उसने कहा। तो ये क्या है, दिस कैन बी क्या ग्रामर एक्टिविटी, इसमें ग्रामर की तो बिल्कुल बात नहीं है, स्पीकिंग एक्टिविटी बिल्कुल, क्योंकि डिस्कस किया जा रहा है जाके बच्चे डिस्कस करेंगे बात करेंगे तो एक स्पीकिंग एक्टिविटी होगी। क्लोज बैक्स एक्टिविटी या क्रॉसवर्ड एक्टिविटी, अब यहाँ पे ये क्रॉसवर्ड और क्लोज बेस्ड, क्रॉसवर्ड का मतलब होता है ना जैसे क्रॉसवर्ड बने रहते हैं उसमें कुछ बनाना, क्लोज बेस्ड एक्टिविटी, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि स्पीकिंग एक्टिविटी, क्योंकि बच्चे वहाँ पे डिस्कस करें, जहाँ पे बार डिस्कशन किया है जहाँ पे स्पीकिंग किया है बात करने किया है, तो याद रखिएगा स्पीकिंग एक्टिविटीज वहाँ पे अक्सर होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग सी मे हैव, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे कई बार सवाल पूछा जाता है। एक क्लास फोर्थ के स्टूडेंट को उसके थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम है, लिखावट में प्रॉब्लम है, तो उसको क्या है सी मे हैव, उसको क्या हो सकता है, ठीक है, डिसलेक्सिया डिसग्राफिया डिसफेसिया डिसकैलकुलिया, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो लर्निंग में होता है, तो इसमें से राइटिंग के मेथड में कौन है, तो इसको थोड़ा चारों को समझना पड़ेगा, ठीक है चारों को बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इनको देखेंगे कि इसके प्रॉब्लम्स होते क्या, तो पहला था हमारा डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मतलब अपढ़, मतलब जिस बच्चे को थोड़ी सी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, सो ही और शी मस्ट हैविंग सम प्रॉब्लम लाइक डिसलेक्सिया, पढ़ने में प्रॉब्लम हो।
किसी बच्चे को अगर लिखने में प्रॉब्लम है, जो कि हमारे क्वेश्चन में कहा था कि स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग, तो जब राइटिंग में प्रॉब्लम होगा, लिखावट की क्षमता में कमी होगी, सम डिसऑर्डर इन राइटिंग, सो वो होगा आपका डिसग्राफिया। ग्राफ से समझिएगा, ग्राफ से मतलब उसको राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके, डिसफेसिया का मतलब, डिसफेसिया का मतलब लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑफ स्पीच, मतलब थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम हो। ओके, जब बोलने में प्रॉब्लम हो तो उसे डिसफेसिया। और डिसकैलकुलिया, यहाँ पे कैलकुलेशन से बना है, डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो और गणना की क्षमता में कमी हो, सो दैट्स नोन एज द कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि प्रॉब्लम इन हैविंग इन राइटिंग, तो राइटिंग का क्या है, ग्राफ। डिसग्राफिया का मतलब राइटिंग में क्षमता में कमी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, डिसग्राफिया, लिखावट की क्षमता में कमी। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट स्पेसिफाइज द रूल ऑफ विच गवर्न द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इन टू फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस, क्या कहा जाए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब यूँ समझ लीजिए कि हमें पता है कि प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस में हम एक रूल बनाते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वास्तव में इस रूल को क्या कहते हैं, जो हमें रूल बताता है कि आपको फ्रेजेस क्लॉज और सेंटेंसेस कैसे अरेंज करना है, इस रूल को क्या कहते हैं। डिस्कोर्स, इसको मतलब होता है प्रवचन, डिस्कोर्स का मतलब। सिमेंटिक्स या फिर सिंटेक्स या फिर कोहेंशन, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, जो हमें रूल बताता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिंटेक्स कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सिंटेक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ टीचर ऑफ अ क्लास सिक्स हैज लेबल्ड द क्लासरूम ऑब्जेक्ट सच एज ब्लैक बोर्ड डोर विंडो फैन टेबल चेयर एक्सेट्रा इन द डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब क्या है, ये क्लासरूम में जहाँ पे बोर्ड है ना, तो बोर्ड को तीनों लैंग्वेज में लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है श्याम पट, इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड, उर्दू में भी बोर्ड, संस्कृत में भी बोर्ड, पंखे को भी हिंदी में पंखा, इंग्लिश में फैन, उर्दू में पंखा, तो कई लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स को, कुर्सियों को भी कुर्सी, चेयर कुर्सी, ऐसे उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, सारे भाषाओं में लिखा गया है। हियर द क्लासरूम एज होल, क्लासरूम क्या बनेगा, ये ऐसे क्या फायदा होगा। इज अ लर्निंग थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन की तो बात ही नहीं है ना, हमें कोई ट्रांसलेशन करना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इज क्रिएटिंग अ लैंग्वेज कन्फ्यूजन, क्या ऐसा करने से बच्चों के अंदर लैंग्वेज कन्फ्यूजन होगा। इज फोकसिंग ऑन द थ्री लैंग्वेज फार्मूला, क्या ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला पे फोकस कर रहा है। और इज अ रिच रिसोर्सेज फॉर प्रमोटिंग अ मल्टी लैंग्वेज, मतलब बहुभाषीय, क्या इससे एक बहुभाषीय अप्रोच प्रमोट हो रहा है, क्या बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि कई भाषाएं होती हैं, इन भाषाओं में इस चीज़ को क्या कहते हैं, क्या यहाँ पे कई भाषीय बहुभाषीय चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, आर वी प्रोमोटिंग द मल्टी लैंग्वेज। तो जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल, इज अ रिच रिसोर्स फॉर प्रोमोटिंग अ मल्टी लैंग्वेज, ठीक है, ये हो गया इसका सही जवाब, बहुत अच्छा। नेक्स्ट मूव करेंगे द असेसमेंट, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार। द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली असेस द स्टूडेंट लर्निंग बट ऑल्सो असेस टीचर्स टीचिंग, मतलब आकलन की जो प्रक्रिया है वो केवल बच्चों के पढ़ने का अधिगम का आकलन नहीं करती बल्कि शिक्षक के पढ़ाने का भी आकलन करती है यह प्रोसेस। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही पूरी तरह से गलत है, ना 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 ऐसी बात नहीं है। आकलन से केवल बच्चों का आकलन होता है, टीचर का आकलन नहीं होता, क्या ये बात है, फुल्ली राइट है, क्या ये बिल्कुल सही है कि हाँ आकलन से बच्चों का भी आकलन होता है, साथ ही साथ ये भी आकलन होता है कि शिक्षक या शिक्षिका ने कैसे पढ़ाया। पार्शियली राइट है या फिर बेसलेस है, मतलब आधारहीन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आकलन से बच्चों का भी आकलन होता है और साथ ही साथ पढ़ाने वाले का भी आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज विच इज लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट ऑफ टीचिंग, मतलब जो हम ना इन्वायरमेंट अपने बोलचाल की भाषा से, जैसे कि हमने घर में रहे तो हमारे घर में भोजपुरी बोला गया, भोजपुरी सीख गई नहीं, राउर लोग के घर में अगर हिंदी बोला जाता है, मतलब जो भी बोला जाता है लैंग्वेज, तो वो हम सीख जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज कहेंगे, सेकंड लैंग्वेज कहेंगे, थर्ड लैंग्वेज कहेंगे या स्कूल लैंग्वेज कहेंगे। तो हमारे घर में जो बोला जाता है उस भाषा को हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं, और हमार फर्स्ट लैंग्वेज भोजपुरी है, और आप लोग के आई डोंट नो बट हाँ, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज भोजपुरी है एंड आई एम रियली हैप्पी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अ टीचर इज अ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स पुअर स्पेलिंग, मतलब एक टीचर है जो टीचर इज द फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स पुअर, एक बच्चा है, एक बच्चा पुअर स्पेलिंग्स का प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है। अब वो टीचर क्या कर रही है, सी लिस्टेड द
प्रॉबल काजेज फॉर इट, जो भी संभावनाएं कारण होती है उसने उसकी लिस्ट बनाई। फिर उसने डिसाइड किया टू फ्रेम सम स्टेप टू ओवरकम इट। फिर उन्होंने एक डिसाइड किया कि मैं एक फ्रेमवर्क बनाऊंगी जिसके आधार पर उस बच्चे को उस प्रॉब्लम से निकालना है। तो दिस होल प्रोसेस इस वास्तव में ये क्या कर रही है, जो बच्चे का प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करके, उसके सारे कॉजेस प्रिपेयर करके, उस कॉज को कैसे हल करेंगे इसका फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, और शिक्षण प्रक्रिया में किसी भी इश्यूज या किसी भी समस्या का वैज्ञानिक हल निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंप्रूविंग स्पेलिंग, एक्शन रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च। तो बिल्कुल जी हाँ, क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च कहलाता है। किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में आप पहले उसके कारण को जानें कि किस कारण से ये समस्या है, उस कारण के संभावित कारण के उसको हल की एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, फिर उसे अप्लाई करेंगे, फिर उसका फीडबैक लेंगे, फिर उसे उस कोर्स में डिस्कस करेंगे, फिर तो इस सारे प्रक्रिया को क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, रीडिंग पिक्चर बुक, मतलब पिक्चर बुक वो एक जो किताब होती है ना जिसमें कुछ पिक्चर्स बने होते हैं, जैसे शक्तिमान, पोगो, ये सारी चीज़ें। तो रीडिंग पिक्चर बुक्स मीन्स क्या मतलब है, एक्सपोजिंग लर्नर टू द डिफरेंट स्टाइल ऑफ ड्राइंग। हमें उसमें ड्राइंग तो हमें सिखाया नहीं गया, क्या हम बच्चों को उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ ड्राइंग सिखा रहे हैं। टू हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड एंड एनालिसिस द पिक्चर, क्या हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आप उस पिक्चर को देखिए, पढ़िए और उसको विश्लेषण करिए, एनालाइज करिए, या फिर हम बच्चों को टू हेल्प लर्नर ड्रॉ ए नीट कलरफुल पिक्चर हम ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। दैट चिल्ड्रन लव पिक्चर एंड इट विल बी अ फन लविंग क्लास। हम बच्चे को सिखा क्या रहे हैं, हम बच्चे को बता रहे हैं, हम बच्चों को हेल्प कर रहे हैं कि वो इस पिक्चर को देखे, समझे, पढ़े और उसका विश्लेषण करे, उससे सीखे, यही तो कर रहे हैं ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड। सो द लास्ट क्वेश्चन, ओके एक और क्वेश्चन है, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक अ टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन, कोई आप नया अगर टेक्स्ट बुक में चैप्टर स्टार्ट कर रही हैं तो आप सबसे पहले आप क्या फोकस करेंगे, आप सबसे पहले किन चीज़ों पर ध्यान देंगे। द बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ स्टोरी इट्स हिस्ट्री, जैसे जो कहानी है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, पहले आप बच्चों को ये बताएंगे, या फिर आप बच्चों को जो लेखक या लेखिका है उसके बारे में बताएंगे, या फिर आप कोशिश करेंगे कि रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, बच्चों का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है आप उसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, उससे एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि बच्चा इससे पहले क्या अनुभव कर चुका है, क्या सीख चुका है, उससे कनेक्टिंग करने की कोशिश करेंगे, या फिर पहले आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बता देंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड के बारे में बता देंगे, आप क्या करेंगे। तो सबसे बेहतर ये है कि क्या है, सबसे बेहतर है कि हम बच्चे को उससे रिलेट कर देंगे, उसके पुराने अनुभव से हम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस से उसे रिलेट कर देंगे। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3। So this is going to be the last questions and I request at the very end of this video, if you haven't subscribed my channels, do subscribe, and if you learn a little bit of from this video, please do like and don't forget to share it. मतलब थोड़ा बहुत भी सीखा, मेरी इंग्लिश को इतनी ख़राब है, अगर थोड़ी बहुत भी समझ आई हो तो वीडियो एक बार लाइक कर दें, और नहीं जुड़े हैं चैनल से सो डू सब्सक्राइब एंड बी कनेक्टेड विथ मी, एंड दिस इज़ हाउ वी प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल्स, एंड वुड बी हैप्पी इफ यू be connected with me. चलो आ जाते हैं, इंग्लिश छोड़ते हैं, लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट, टीचर आस्क लर्नर टू रीड अलाउड, मतलब बच्चों को कहा गया जरा बोल के, ऊंची आवाज में बोल के चीजें को पढ़ो। दिस वे ऑफ रीडिंग विल, बच्चा अगर बोल बोल के पढ़ेगा, जैसे कि कुछ भी पढ़ रहा है, कोई भी किताब पढ़ रहा है, बोल बोल के पढ़ेगा तो क्या होगा, इनेबल लर्नर टू डेवलप रीडिंग स्किल्स विद अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत कंफ्यूजन वाली बात है, बच्चे से क्या होगा कि एनेबल लर्नर टू डेवलप रीडिंग स्किल्स विद अंडरस्टैंडिंग, वो पढ़ने के साथ साथ सोचने की, समझने की भी क्षमता डेवलप करेगा। तो इसमें क्या जरूरी है कि हम बोल के पढ़ें, मतलब इसमें हो सकता है ना कि हम धीरे भी तो पढ़ सकते हैं, अगर हमें केवल समझना ही है तो हम धीरे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनेबल लर्नर टू रीड विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूजिंग द प्रोनाउंसिएशन मार्क, समझ में आ रही बात, जब हम उच्चारण करके पढ़ेंगे तो क्या हमारा उच्चारण भी सही होगा, करेक्ट होगा, क्या ये तरीका है।
इनेबल लर्नर टू बी फास्ट, मतलब फास्ट पढ़ना, मतलब तेज पढ़ देना है, बिल्कुल सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन की तरह, ये हमें सिखाना है, या फिर हेल्प द टीचर टू कंप्लीट द सिलेबस, यानी कि सिलेबस हमें कंप्लीट। तो क्या है बच्चों, हम यहाँ पे जब बोल के पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा उच्चारण भी सही होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। सो इस प्रकार से हमने आज 15 क्वेश्चन देखे इंग्लिश के पेपर पेपर वन के, इंग्लिश पैडागोजी के 15 क्वेश्चन देखे जो कि 31 जनवरी 2021 को पूछा गया था। तो इस प्रकार से हमने आज 15 क्वेश्चन देख लिए। इसी तरीके से हम और वीडियो को डिस्कस करेंगे बच्चों इस चैनल पे। मुझे खुशी होगी अगर आप चैनल से जुड़ेंगे सब्सक्राइब करके, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर हो सके तो इस लायक हो तो दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।